कुछ सुबह की आदतें आपको तंदुरुस्त, फिट और बीमारियों से लड़ने के लिए ऐसी शक्ति देती है जिसको आप करके ही अनुभव कर सकते हैं। सुबह का कुछ समय आपका, सुबह जब हम उठते हैं तो अधिकांश लोगों को चाय पीने की आदत है। वो आदत अगर हम ग्रीन टी में परिवर्तन करते हैं, चाय पीते हैं परंतु घर से बनी हुई ग्रीन टी पीते हैं, तो उसका फ़ायदा कुछ और होता है। और अगर हम रात को कच्ची मूंगफली को भिगो के रखते हैं 6 से 8 घंटे और सुबह उसका सेवन करते हैं, तो उसका फ़ायदा ही कुछ और है। नीम पत्ती का आप अगर सेवन करते हैं, अगर आप नीम पत्ती का सेवन नहीं कर सकते तो नीम के पत्तियों को सुखा लीजिए, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और उसका सेवन आप करिए। ऐसे ही हल्दी अगर आप नहीं खा सकते तो पिसी हुई हल्दी में पानी मिला के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि नीम की पत्तियों को सुखाकर जब उसका पाउडर बन जाएगा तो उस पाउडर की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। वो एक छोटी गोली आप खाली पेट हल्दी की गोली के साथ लीजिए, कुनकुना गर्म पानी, उसमें शहद मिला दीजिए, थोड़ा नींबू मिला लीजिए और ये दोनों गोलियां आप उसके साथ लीजिए, बहुत फ़ायदा करेंगी। ग्रीन टी जो हमने घर की बताई आपको, आप पानी ले लीजिए, उसमें अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और जब ये बॉयल हो जाए तो उसमें गुड़ मिला के और उसको मिक्स कर उसमें थोड़ा नींबू रस मिला के आप इसका सेवन कीजिए। ये ग्रीन टी आपको बहुत फ़ायदा देगी। सुबह आप जल्दी उठने की आदत डालिए। जब सूर्योदय होता है तब अगर आप अपनी आँखों से सूरज की रोशनी को देखते हैं तो आपके शरीर में जो ऊर्जा जाती है उसको अनुभव किया जा सकता है। सूरज की रोशनी में बैठने से आपके शरीर में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, नेगेटिव चीज़ें हट जाती हैं। सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो थोड़ी देर योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा वॉक करना चालू करिए, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो उस समय बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है, वातावरण स्वच्छ होता है, वातावरण में शोर शराबा नहीं होता है, तो वो सुबह की जो एनर्जी होती है वो आपके पूरे दिन में आप जो कार्य करते हैं उसके लिए पर्याप्त होती है। सुबह जैसे हमने बताया कि रात को आपने जो मूंगफली के दाने भिगो के रखे हैं 1 मुट्ठी, वो आप केले के साथ उसका सेवन करिए या कोई और फल आपको अच्छा लगता है उसके साथ सेवन करिए तो आपका नाश्ता हो जाता है। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, जैसे आपने 2-3 काजू खा लिए, 2-3 पिस्ते खा लिए, 2-3 बादाम खा लिए, अंजीर खा लिए 1-2 पीस, जलदारू 1-2 पीस खा लिए आपने, किशमिश खा ली आपने, नारियल का थोड़ा चूरा खा लिया, ये आपको बहुत अच्छा नाश्ता देते हैं। इन सबको आप मिक्स करके भी खा सकते हैं, उसमें अपने पसंद के फ्रूट डाल दीजिए, उसमें शहद डाल दीजिए। शहद हमारे शरीर में ऐसा काम करती है जैसा हमारे शरीर में खून होता है। शहद आपको बहुत अच्छे फायदे देती है। जब भी आपको लगे, शुगर पेशेंट को छोड़ के आपको ऐसा लगे कि हमको अनइजी लग रहा है, सुस्ती लग रही है, आप कुनकुने पानी में शहद मिला के पी लीजिए या ऐसे ही शहद खा लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में एनर्जी भर गई है, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। काफ़ी अच्छी गुणकारी चीज़ है शहद, इसका सेवन आपको करना चाहिए। तो हमने आपको ये कुछ प्रयोग बताए जो आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सुबह योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, उसके साथ नीम, हल्दी, शहद, कुनकुना पानी, तुलसी के पत्ते, मूंगफली और अदरक, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको स्फूर्ति लाएंगी, फिट रखेंगी, नट्स, और आपको शरीर में इतनी ऊर्जा दे देंगी कि आपका पूरा जो दिन है वो बहुत स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ व्यतीत होगा। तो शुभ विचार रखिए, शुभ विचार का पालन करिए, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव सोच आपको सफल करेगी, ये विश्वास रखिए। ओम तत्सत। सुबह की